बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, ऐ मेरे मालिक, हम अगर वो न कर सके जो आप चाहते हैं, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो कभी ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि इस बात में बहुत ही बड़ी शिक्षा है। कई बार अनजाने में हम बहुत बड़े पाप कर बैठते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं। और ऐसे पाप से लोग आज भी अनजान हैं। आज के इस युग में भी ये लोग पाप किए जा रहे हैं और उन्हें लगता है इससे उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर साथ संगत जी, आज ये जो मैं घटना सातवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी के समय की बताने जा रही हूँ, ये एक ऐतिहासिक घटना है, पर आज भी ऐसी घटनाएं रोज दोहराई जाती हैं। तो घटना ये है कि सातवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी कीरतपुर साहिब में बैठे हुए थे, और कीरतपुर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब महिला जिनका नाम था माई ताबो, अपनी झोपड़ी में बैठी उदास, अब तो आंखों से भी आंसू सूख चुके थे। सास संगत जी, आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, आपको पूरा सुनना है। इस माई ताबो का इतिहास ये है कि ये एक बहुत अमीर महिला थी, और आज इतनी अकेली है कि रो रो के आंसू भी खत्म हो चुके हैं, और पूरा परिवार उसका खत्म हो चुका है। इसकी बहुत बड़ी हवेली थी, पति बच्चे बहुएं पोता पोते सब गुजर गए, अब कोई भी साथ नहीं था उसके, सब एक एक करके गुजरते गए, और वो खुद सबको शमशान घाट में जला कर आई, और आज बिल्कुल अकेली है, बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है, बहुत परेशान कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता। कोई उसको कहता कि तूने शायद कोई ऐसा पाप किया होगा जिसकी सजा तू आज भुगत रही है, तो कोई बोलता तेरा इस धरती पर भी जीवन नरक हो गया है, तो समझ ले वहाँ ऊपर जाकर भी तुझे सजा ही मिलेगी। पर एक गुरसिख ने उससे कहा कि जा पास के गांव कीरतपुर साहिब, वहाँ खुद परमात्मा श्री गुरु हर राय साहिब जी के रूप में आए हुए हैं, अगर उन्होंने मेहर कर दी तो यमदूत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तेरा। अब माई ताबो को बाबा जी से मिलने की ललक जाग उठी, तो उसने सोचा कि पहली बार बाबा जी से मिलने जाऊंगी तो कुछ तो भेंट लेके जानी चाहिए। वो इतनी गरीब थी कि थोड़ी सी रुई कहीं से लेकर आई, फिर उसने अपने चरखे पर थोड़ी सी रुई से ही छोटी सी प्यारी सी चादर बनाई, और जिस दिन बाबा जी के दर्शनों के लिए जाने लगी तो उस दिन उसने खाना नहीं खाया। सास संगत जी, आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे यह सुनकर कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। इतनी गरीब कि बाबा जी के पास भेंट के रूप में दो रोटी का आटा ही था उसके पास, या तो वो खुद खाती या बाबा जी के लिए भेंट लेके जाती। फिर उसने बाबा जी के लिए बड़े ही प्यार से दो रोटी बनाई, और उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ डालकर एक पोटली में बांध लिया, और बाबा जी के लिए लेके चल पड़ी। इतिहास में लिखा है कि इतने दुख सहे उसने, और इतनी वृद्ध हो गई थी कि सूख के काली हो गई थी। अब जब बाबा जी के पास कीरतपुर साहिब पहुंची, तो वहां क्या देखती है, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा अमीर लोग बाबा जी के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। यह सोचकर बिचारी घबरा गई, एक तो इतनी वृद्ध, ऊपर से उसका मनोबल भी टूट गया था, और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई, सोच में पड़ी है क्या करूं। और उधर बाबा जी जो सब जानी जान है, वो तखत पर बैठे सब नजारा देख रहे थे। और अब बाबा जी तखत से उठ खड़े हुए, वो तो गरीब निवाज है ना, मालिक ये नहीं देखता कि इंसान के पास कितनी दौलत है, वो तो सच्चे प्रेम की भावना देखता है। सारे राजे महाराजों को छोड़कर बाबा जी अपने तखत से उठकर चल पड़े उस पेड़ की तरफ, जहाँ माई ताबो पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वहाँ मेरे सदगुरु वहाँ पेड़ के पास जाकर उस माई से बोले, माई बहुत भूख लगी है, जो मेरे लिए लाई है वो क्यों नहीं दे रही, वो खाना मुझे देना,
तो माई हैरान होकर बाबा जी की तरफ देखती है और आंखों से आंसू बह जा रहे हैं और रोते रोते कांपने लगी। तो बाबा जी ने उस माई के हाथों से वो पोटली खुद ही ले ली और रोटी खाने लगे। जैसे जैसे रोटी का एक एक टुकड़ा बाबा जी खा रहे थे, उस माई के जन्मों के पाप कटते जा रहे थे। जब रोटी सारी खा ली तो माई ताबो जो वो चादर लेके आई थी उसने बाबा जी के चरणों में रख दी और बेनती करने लगी, बाबा जी मुझे यमदूतों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो बाबा जी, पता नहीं मेरे कौन से पाप हैं जो मुझे ये सजा मिली। क्या आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, कोई जीवित नहीं है। तो बाबा जी ने उस माई को जो कारण बताया, साध संगत जी बहुत ही ध्यान से सुनना, बाबा जी ने बताया, माई तूने जो इतना बड़ा पाप किया था ये उसी की सजा है। जाने अनजाने में तूने ये पाप कर तो लिया पर तुझे एहसास नहीं कि तूने क्या गुनाह किया है। माई कहती है, बाबा जी कौन सा पाप किया है मैंने? तो बाबा जी बोले, जब तेरी शादी हुई थी तुझे दो लड़कियां पैदा हुई थी और दोनों बार तूने उनको जिंदा मार दिया। सासंगत जी पहले जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पैदा होने के बाद लड़कियों को मार दिया जाता था और आज के इस कलयुग में भ्रूण हत्या करने में लगे हुए हैं लोग, गर्भ में ही लोग लड़कियों को मार देते हैं। फिर बाबा जी बोले, माई तूने इन छोटी बच्चियों पर तरस नहीं किया और उन्हें मार कर जिंदा दफना दिया, तो परमात्मा ने कहा तुझे ये नहीं चाहिए तो तुझसे सारा परिवार ही वापस ले लिया और तुझे नरकों में जो सजा मिलेगी वो अलग। तो ये बात सुनकर माई जोर जोर से रोने लगी और बोली, बाबा जी भूल हो गई, बख्श दो बाबा जी बख्श दो। तो बाबा जी बोले, तुझे बहुत तगड़ी सजा मिलनी थी, तुझे 84 लाख योनियों में जाकर नरकों की आग का सामना करना था, पर तेरी सच्ची श्रद्धा और प्रेम भावना से बनाई हुई रोटी और इस सच्ची भावना से बनाई चादर से तेरे पर्दे हम ढकेंगे। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज इस घटना से सीख ले लो कि कभी कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे नरकों की आग इस तरह झेलनी पड़े, वरना इस जीवन में भी आखिरी पड़ाव में नरकों का सामना करना पड़ेगा। जीवन का आखिरी पड़ाव होता है बुढ़ापा। हम ना समझी में या कम उम्र में जो गलतियाँ करते हैं उसका हिसाब आगे जाकर तब देना पड़ता है जब हम खुद को भी संभाल नहीं पाते। तो इसीलिए चेत जाओ, हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, हर कदम सोच समझ कर ही उठाओ। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये चेतावनी पहुंच सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।